चलो आगे जयकारा लगा दो मेरा भाई भाई। जय भारत माता की जय। बहुत अच्छी जगह है। जय है 28 मई ट्यूसडे और अभी 4:35 हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिमालयन ऑरा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 28 मई इवनिंग 4:30 से और हम लोग जा रहे हैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए। तो हमारी बस है रात को और अभी हम निकल रहे हैं आनंद विहार नहीं कश्मीरी गेट के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको हम कौन कौन जा रहा है। सबसे पहले मिलिए, हमारे साथ जा रहे हैं ये दो चिलर पार्टी, आरव और लकी। हेलो गाइस, नमस्ते। चलो आरव जयकारा लगा दो मैया का एक बार। जयकारा चिला वालिता बोल सच्चे दरबार की जय। यात्रा में हम जा रहे हैं मौसी और मौसा जी के साथ। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? जय। तो हम लोगों ने घर से उबर की थी कश्मीरी गेट जाने के लिए। हमारे घर के आसपास जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मेजर मोहित शर्मा। इसी रूट से होते हुए हम लोग कश्मीरी गेट के लिए गए। अभी से नींद आ गई इनको। पहले घर से और भी लोग आने वाले थे बट उनका प्लान नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोगों का भी कंफर्म नहीं था। फिर सडनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं, हमें जो भी बस मिलेगी हम उससे चले जाएंगे। तो हम लोग एसी बस देख रहे थे बट हमें वहाँ जाके पता चला कि एसी बस नहीं चलती है यहाँ से। तो वहाँ पे हमें नियर बाई कोई टूर एंड ट्रैवल्स वाले मिले थे जो कटरा के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि अभी जो फर्स्ट बस है 6:30 चलेगी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक बार हम पूरा बस का चेक कर लेते हैं कि बस कैसी है और क्या है सीन उस बस का। तो वहाँ पे जाके पता चला, उन्होंने बोला कि 6:30 पे नहीं है और जो उसके बाद 7:30 वाली थी वो भी फुल हो चुकी थी। तो हमें रात 9:30 के बाद ही कोई बस मिल सकती थी और जिसमें भी सीट शायद में कम ही थी। तो फिर हम नहीं जा पाए उस बस में। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, अंदर जाके जो भी जम्मू कश्मीर की बस चलती है हम उसी में चले जाएंगे क्योंकि हम 9:30 तक नहीं चल सकते थे, वो काफ़ी लेट हो जाता है। गाड़ी में तो फुल है, नहीं हो बात नहीं, वो तो फुल हो जाएगी, ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा है, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन टाइमिंग की देखो, जो 8:30 का डाला है 7:30 फुल हो चुकी है, मतलब इसमें भी सीटें हो गई हैं बुकिंग। हाँ सर, बुक है जी, बुकिंग है जी सारी। इसमें कुछ ही स्लीपर खाली है, जो खाली है और स्लीपर खाली है, लेकिन 5 सीटें खाली हैं। हमने चेकिंग करवाई और हम फिर अंदर चले गए थे। वहाँ पे काउंटर नंबर 28-26 से हमें जम्मू कश्मीर के लिए बस मिली। जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी बसेस चलती हैं कश्मीरी गेट से, वो भी हमें सिर्फ जम्मू तक ही छोड़ती है। वहाँ से आगे कटरा के लिए हमें दूसरी बस लेनी थी। तो हम कंफ्यूज थे पर हमने फिर डिसाइड किया कि हम इसी में जाएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता अगर हम एसी बस के लिए वेट करते। तो इस बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जम्मू कश्मीर में सिम बंद हो जाता है और हमें वहाँ पे नया सिम लेना पड़ता है और भी ऐसी छोटी छोटी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। और बाकी उन्होंने बोला था कि वो हमें अच्छे से दूसरी बस में बैठा देंगे। पता था कि ये पूरा ट्रैवल जो होने वाला है वो काफ़ी टायरिंग होने वाला है क्योंकि 600 अबव किलोमीटर्स थे दिल्ली से जम्मू।
बस एग्जैक्ट टाइम 6:30 पे कश्मीरी गेट से निकल गई थी। एट थर्टी के आसपास हम लोग करनाल पे थे और जितना सोचा था उतनी गर्मी लग नहीं रही थी। शायद मैं नाइट टाइम था इसलिए भी ज़्यादा गर्मी का पता नहीं चला। तो मुझे तो रात का सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली ऑर्डिनरी बसेस में, क्योंकि पता नहीं मुझे उसकी वाइब भी अलग लगती है। बाहर से हवा चल रही है और मतलब आप अलग अलग जगहों की उस मिट्टी की खुशबू को स्मेल कर सकते हो और हवा को, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ऑर्डिनरी बसेस में ट्रैवल करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और हम लोग पटियाला में रुके हैं पेट्रोल पंप में, तो यहाँ पे बस अराउंड 10 मिनट्स रुकी थी। उसके बाद फिर हमने अराउंड 15 मिनट्स और ड्राइव करके फिर बस रुकी पंजाबी ढाबे पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना डिनर किया। बस काफ़ी अच्छी जगह पे रुकी थी, यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, तो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ऑर्डिनरी बसेस अच्छी जगह नहीं रुकती है, पर इस बार जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो बस काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह रुकी। हम लोग घर से ही खाना लेकर आए थे, बाकी हम लोगों ने एक्स्ट्रा ब्रेवरेज वगैरह यहाँ से लिए थे। खाने में हम लोग घर से पूरी बना के लाए थे और आलू, और हमने लिया यहाँ से लस्सी। मौसा जी भी लस्सी पी रहे हैं और मौसी पिएगी इतनी गर्मी में कॉफ़ी। हाफ एन आवर ढाबे पे रुकने के बाद बस फिर आगे के लिए निकल गई थी। कैसा जा रहा है मौसम सफ़र अभी तक का? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ। और मौसा जी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं।
बाकी दो पीछे बैठे हैं वो चिल्ड्रन पार्टी। उसके बाद हम यहाँ पे फिर 10 मिनट्स के लिए रुके राजपुरा पे और टाइम हो रहा है 2:20 के आसपास। स्टॉप होने वाला था पठानकोट, जहाँ पे बस सिर्फ 10 to 15 मिनट्स टी ब्रेक के लिए रुकने वाली थी, तो हम लोग उससे पहले सब सो रहे थे। और हम पठानकोट पहुँच गए हैं और आरफ को लग रही है ठंड, तो वो पूरा ढक गई। यहाँ पे पी रहे हैं चाय। आरफ ठंडा लग गया, बहुत ठंड लग रही है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। टी ब्रेक के बाद हम लोग आगे के लिए निकल गए थे और यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। पंजाब का वेदर कंपैरेटिवली दिल्ली और हरियाणा से ज़्यादा अच्छा था। पाँच बजे के आसपास हम लोग जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुके थे और मेरे को नींद नहीं आई थी, मैं उठी हुई थी, तो उस टाइम पे सनराइज़ का टाइम हो रहा था, तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। जम्मू का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, जैसे दिल्ली में अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम था। और मॉर्निंग में तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी रास्ते में, और मॉर्निंग तक हालत भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, हम थक चुके थे, बट ऑलमोस्ट बस में इतना ज़्यादा लगा नहीं, बिल्कुल आराम से ही पूरा ट्रैवल कम्प्लीट हुआ था हमारा। मॉर्निंग में सभी सोए हुए थे, आरफ, लक्की, मौसाजी और मौसी, और मुझे नींद नहीं आई, तो मैं इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हम बस ऑलमोस्ट अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके थे। ये हमारा लास्ट स्टेशन था ऑर्डिनरी बस से, क्योंकि यहीं तक बस जाती है जो गवर्नमेंट बसेस हैं, इससे आगे हमें दूसरी बस लेनी थी। तो अभी बच रहे हैं 7:30 और आज डेट है 29 और हम लोग अभी हैं कटरा के रास्ते में, क्योंकि हम लोग जैसे दिल्ली से जो हमारे थे ऑर्डिनरी बस आए थे, तो यहाँ से हमें दूसरी बस मिली है और हम यहाँ से ही जा रहे हैं कटरा के लिए, और उन्होंने बताया कि हम ऑलमोस्ट 1 आवर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो यहाँ अभी का अपडेट इतना ही, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। बस के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 5 मिनट हम वेट कर रहे थे तो हमें बस मिल चुकी थी। उसके बाद तो हमें जो बस मिली थी वो थी AC स्लीपर बस।
जो देहरादून से कटरा जा रही थी। तो आप यहाँ पे सबके फेस के स्माइल से देख सकते हैं, हम लोग थके हुए भी थे बट एक्साइटेड थे, तो इतना ज़्यादा नहीं थके थे, ठीक था मतलब पूरा ऑलमोस्ट अभी तक का। और चिल्लो पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं थकी हुई थी, वो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही खेलने में लगे हुए थे, कभी इधर उधर ही करने में लगे हुए थे पूरे बस में। तो जम्मू से कटरा का सफ़र जो था वो बिल्कुल माउंटेन एरिया वाला था, ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं था बट हाँ ईज़िली हम लोग बिना किसी डिफ़िकल्टी के कटरा तक पहुँच चुके थे। तो अभी जो सफ़र चल रहा है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे माउंटेन एरिया है, नीचे रिवर भी है और अभी अच्छे से धूप भी आ चुकी है और हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं, तो यहाँ का वेदर तो काफ़ी सही है क्योंकि मैं दिल्ली से आई थी तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था और यहाँ काफ़ी सही लग रहा है। बाकी वैष्णो माता का कैसा वेदर अपडेट है वो आपको वहीं बता के मैं बताऊँगी और कटरा का भी वहीं पर ही। बाकी रास्ते में जम्मू जब से आया था तब से कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं कि इधर गर्म हो रहा है। तो जम्मू से कटरा जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल देखने लायक था, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था, बीच बीच में इतनी सुंदर रोड थी बिल्कुल चौड़ी, जहाँ से अगर कोई बाइक राइडर है तो उसका बाइक चलाने का ऑब्वियसली मन करेगा वहाँ पे। जितने भी मेल्स हैं उनकी चेकिंग हो रही है, तो पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आर्मी चेकिंग थी, तो उन लोगों ने चेकिंग की और नॉर्मली पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो बस अब हम लोग आगे नहीं बन चुके हैं कटरा के चुके थे कटरा बस स्टेशन। तो ये शायद मैं ओल्ड बस स्टेशन था और यहाँ से हमें मेन मार्केट जाना था जहाँ पे हमें रूम्स वगैरह मिलेंगे, और वो जो सामने आपको दिख रहा है माउंटेन वो है त्रिकुटा पर्वत। इसके बाद हम ऑटो से मार्केट के साइड निकल गए थे रूम देखने के लिए। आजकल पीक का सीज़न था तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे, तो जो बस स्टेशन में हमें लोग मिले वो हमें कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे थे रूम की प्राइस का, बट किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग मार्केट साइड जाके देखो, वहाँ पे चेक कर लो तो आपको सही सही प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तो रुकना नहीं था, हमें जस्ट अराउंड 4 to 5 hours वेट करना था। उसके बाद हम लोग फ्रेशन अप होकर यात्रा के लिए निकलने वाले थे और अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे वहाँ से। चौक के पास पहुँचे, यहाँ भी हमें काफ़ी सारे जो लोग थे वो मिले जो हमें रूम का प्राइस वगैरह बता रहे थे, बट हमें कोई भी जेन्युइन नहीं लगा। दे वर कोटिंग अस अराउंड 2000 टू
2600 वो भी सिर्फ 4 आवर्स के लिए, और वो चाहते थे कि हम 4 आवर्स के बाद रूम छोड़कर हम लोग निकल जाएंगे, वरना वो फिर फुल चार्ज लेने वाले थे हमसे पूरे 1 डे का। फाइनली मौसा जी को एक रूम मिला जो कि काफ़ी डिसेंट था, इसका प्राइस भी काफ़ी डिसेंट था, जो कि हमें पड़ा 600 फॉर 5 आवर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना लंच करने के लिए गए नियर बाई शॉप पे। तो यहाँ पे मैं अपने फेक नेल शो कर रही थी, और आरव को मैंने कोरियन हार्ट बनाना सिखाया था आजकल, तो यहाँ पे हम लोग वही फिर से कर रहे थे। तो ये वाला व्लॉग बस इतना ही, आगे का व्लॉग आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आगे आप लोग देखिए आरव ने कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन ट्राई किया और बड़े मज़े से वो खा रहा था। आगे की वीडियो में रहेगा कि कैसे हमने दर्शन किए माता के, कैसे पूरे रास्ते में कैसा रहा हमारा पूरा ट्रैक। तो या दैट्स इट, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। Thank you.